छुट्टी का दिन था और बाहर बारिश हो रही थी। सबको भूख भी लग रही थी तो मैंने फटाफट ब्रेड की ये रेसिपी बनाई और मुझे लगा ये चीज़ी और टेस्टी ब्रेड रोल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ टू कुक इट में। पहले हम छोटे से बाउल में 1.5 से 2 चम्मच क्रीम चीज़ लेते हैं। उसमें मिलाएंगे 1 छोटा चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा तेल, थोड़ा धनिया, 1/2 कटा हुआ मिर्च। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। इस मिश्रण को साइड रख देते हैं। अब लेंगे ब्रेड, उसको साइड से कट कर लेते हैं। कटे हुए पार्ट को प्लेट में रख दीजिए। बीच के पार्ट को बेल लेते हैं। साइड से थोड़ा पानी लगा दीजिए। तैयार किया हुआ क्रीम चीज का मिश्रण ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कीजिए। थोड़ा तेल डाल दीजिए। अब इसके ऊपर चीज स्लाइस डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 1/2 स्लाइस लिया है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से पूरा स्लाइस डाल सकते हैं। अब ब्रेड रोल बना लीजिए। अब दूसरे बाउल में हम ब्रेड रोल को डिप करने के लिए बैटर बनाएंगे। 1 चम्मच मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके पतला सा बैटर बनाएंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड का कटा हुआ पार्ट मिक्सर में ग्राइंड करके ले लेंगे। इस प्लेट में निकाल लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करने के लिए रख दीजिए। ऑयल गरम होने के बाद रोल को एक बार मैदे के बैटर में डिप कीजिए। फिर उसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके ऑयल में शैलो फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। रोल को सब साइड से अच्छी तरह पका लीजिए। ब्रेड रोल को ब्राउन होने के बाद निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए।